ये पाउडर यानी इसको आपने अच्छी तरह से पीस के ग्राइंड करके सुरमे की तरह पाउडर कर लेना, ये दानेदार नहीं होना चाहिए। क्या देख रहे हैं, बिल्कुल पाउडर बन चुका है। कच्ची कलौंजी को आपने ऐसे ही पीस लेना है। ये एक चम्मच कलौंजी का पाउडर है मेरे पास और इसमें मैं एक चम्मच शहद का मिलाऊंगी। ठीक हो गया, इन दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर ये कलौंजी आपकी दानेदार हुई तो इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, ये बिल्कुल इस तरह से पाउडर होना चाहिए ताकि इसको अप्लाई करने में हमें आसानी रहे और इसका हमें रिजल्ट अच्छा मिले। एक कलौंजी से मतलब मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें गहरे सांवले रंग को गोरा करने का तरीका बताया गया था। उसका तरीका कुछ और था और यहाँ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। अब मेरे पास थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है मीठा सोडा। ये तकरीबन मैंने आधी टीस्पून से भी कम जो है वो इसमें मिलाना है, तकरीबन चौथाई हिस्सा चाहिए आपको एक टीस्पून का। ये तीन इंग्रेडिएंट सिर्फ हमें चाहिए, इसके बाद जो हमें एक चीज चाहिए उसका भी इस स्टेप में कोई रोल नहीं है। बस ये तीन चीजें हैं, इनको आपने मिक्स कर लेना एंड दैट्स इट, आपका ये मास्क तैयार हो गया। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको बनाने में, कोई टेंशन नहीं है। इसको जो है वो मर्द, औरतें और बॉयज आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों पे आपने अप्लाई नहीं करना, ये चेहरे पर अप्लाई हो जाएगा, गर्दन पर, हाथों पर, इसका कोई नुकसान, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितनी मिकदार में हमने मीठा सोडा लिया है उतनी मिकदार में इस्तेमाल कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपली ये तैयार हो गया, बारी है कि मैं आप इसको अप्लाई करके दिखाऊं। इसको मैं अच्छी तरह से अपने हाथ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि आपको ये दिख रहा होगा कि इसको आपने कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेना है। अपने चेहरे पर करना है, इसको बाजुओं पे करना है, हाथों पे, नेक पे, पांव पे, जिस्म के किसी भी हिस्से पे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपको मीठा सोडा जो है वो इतनी ही मिकदार में लेना है। ठीक हो गया, आप ये देख रहे हैं, इसको 30 मिनट आपने लगा रहने देना है। 30 मिनट के बाद ये इतनी मतलब इस तरीके से चिपक जाएगा कि आप इसको रिमूव करेंगे भी तो हाथ की मदद से रिमूव नहीं होगा। ठीक हो गया, आपने अच्छी तरह से ड्राई होने देना है, कोई भी नुकसान नहीं इसमें। 30 मिनट इसको लाजमी लगा रहने दे, ड्राई हो भी जाए तो भी। अब मैं इसको वॉश कराती हूँ। छोटी सी टिप से आप ये रिजल्ट देखिए आपके सामने है। मेरे हाथों पर मेहंदी की वजह से ये आपको मतलब ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, बट फिर भी रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। ये एक दफा के करने से हो गया इसका इतना अच्छा रिजल्ट। अब जो हमें लास्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो था जैतून का तेल। अब अगर आपके पास जैतून का तेल नहीं है, आप नारियल का तेल ले लें या बादाम का तेल ले लें, तकरीबन 4-5 ड्रॉप्स आपने लेने। ये डिपेंड करता है, पता नहीं आपने चेहरे पर इसे अप्लाई करना है, बाजुओं पे, नेक पे, जहां भी अप्लाई करना है उस हिसाब से आप थोड़ा सा जैतून का तेल लीजिए और इससे आपने मसाज करना है और ले होगी आपकी ये रेमेडी पूरी और आपकी व्हाइटनेस, आपकी व्हाइटनिंग सामने आ गई है। तो इसे आप चेहरे पर भी अप्लाई करेंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। ये रेमेडी इसलिए शेयर की गई है कि कहीं आपको जाना हो, फेशियल वगैरह नहीं करवा सकते, पॉलिशिंग नहीं करवा सकते, रेमेडी का लेट रिजल्ट आता है, बट ये रेमेडी आप लोगों को नेचुरल होने के बावजूद जो है वो हर्बल होने के बावजूद इतना जबरदस्त रिजल्ट दे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचेंगी।